नमस्कार दोस्तों, मैं आज इंश्योरेंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की चर्चा के लिए आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपके बीच मैंने इंश्योरेंस के पॉलिसियों पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आपने उसके देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो पुनः मैं निवेदन करूँगा, ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। जब कभी भी आप इंश्योरेंस लेते हैं या लिया होगा तो इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी हुई होगी, या न जानकारी हुई हो तो भविष्य में इसको ध्यान रखें। इंश्योरेंस के पॉलिसी के साथ राइडर्स, राइडर्स क्या होता है, इंश्योरेंस के पॉलिसी में राइडर्स क्या होता है, इसलिए मैंने आज का टॉपिक्स रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ राइडर्स इन इंश्योरेंस पॉलिसी, इम्पोर्टेंस ऑफ राइडर्स इन इंश्योरेंस पॉलिसी। राइडर्स का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट। आप जब कोई पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार आपने सर्टेन एज में एंट्री लिया और कोई खास टर्म के लिए आपने पॉलिसी ले ली, 20 साल, 25 साल, 30 साल, प्रीमियम निर्धारित हुआ, सम इंश्योर्ड लिए, तो इस पॉलिसी में जो महत्वपूर्ण सबसे बिंदु आता है वो होता है सम इंश्योर्ड। आप सम इंश्योर्ड कितने का लिए, सम इंश्योर्ड की जरूरत कब पड़ती है, सामान्य स्थितियों में पॉलिसी के टर्म पूरा होने पर जब मैच्योरिटी का स्टेज आता है, मैच्योरिटी की ईयर्स आता है, तो सामान्य तरीके से आपका कैलकुलेशन करके मैच्योरिटी की राशि दे दी जाती है। परंतु डेथ के केस में इंश्योरेंस का, सम इंश्योर्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है कि अमुक व्यक्ति ने सम इंश्योर्ड कितने का लिया था, कितने की पॉलिसी है। तो जो बेसिक सम इंश्योर्ड होता है, फर्ज करें कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया, तो डेथ के केस में नॉमिनी को बेसिक सम इंश्योर्ड 20 लाख से, 30 लाख से, 10 लाख से, वट एवर जो है वो मिल जाता है, उसके साथ और बोनस वगैरह जोड़कर। परंतु यह डेथ सामान्य स्थितियों में, सामान्य स्थिति के अलावा एक्सीडेंटल डेथ की एक बात आती है, एक्सीडेंट, आकस्मिक, जो सामान्य नहीं कहा जाता, सीढ़ियों से गिरकर, फिसलकर, गिरकर बाथरूम में, आगजनी, सर्पदंश, या इस टाइप के कुछ भी जिसको आकस्मिक की श्रेणी में हम लेते हैं एक्सीडेंट, और उस कारण से गाड़ियों में, ट्रेन में, बस में, टैक्सी में, कुछ भी, तो उस आकस्मिक स्थिति में जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको हम एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। आपने जो पॉलिसी लिया है, आप उसमें गौर किया होगा कि आपके पॉलिसी के साथ क्या एक्सीडेंटल डेथ का क्लॉज जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है देन इट इज ओके। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो ऊपर से राइडर्स के रूप में एक्सीडेंटल डेथ का राइडर्स लिया जाता है, जो बहुत ही नॉमिनल चार्ज में होता है, बहुत ही नॉमिनल, 1 रुपया पर 1000 के हिसाब से कुछ होता है, बहुत कम। इससे लाभ ये होता है कि एक्सीडेंटल डेथ की, जैसे मान लीजिए कि मूल पॉलिसी आपकी 20 लाख की है और एक्सीडेंटल डेथ को भी आपने 20,000 रुपया जोड़ दिया, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इट विल बी 40 लाख, नॉमिनी विल गेट 40 लाख। और अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ का नहीं लिया है, ये राशि आप 10 भी कर सकते हैं, 20 भी करते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो जोड़ करके आपके बेसिक सम इंश्योर्ड की राशि को बढ़ा देता है और अपना नॉमिनी लेने के लिए हकदार हो जाता है, जो कि बहुत ही कम लागत में होता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ का राइडर्स आपके साथ नहीं है तो उस केस में मात्र जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वही मिलता है, दिस इज एक्सीडेंटल डेथ राइडर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए जब भी पॉलिसी लेते हैं तो एक्सीडेंटल डेथ का राइडर्स है कि नहीं, ये जरूर जानकारी करनी चाहिए। दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, ये एक दूसरा राइडर है। एक्सीडेंटल डेथ की तो मैंने चर्चा कर ली, हर एक्सीडेंट में डेथ नहीं होता है, लेकिन चोट और एक्सीडेंट से शारीरिक रूप से अपंगता बहुत केसेज में हो जाती है, तो डिसेबिलिटी जो होती है आदमी को सामान्य जीवन जीने में
बहुत बड़ा कठिनाई हो जाती है और आदमी सामान्य जीवन नहीं जी पाता है, फर्दर वो जॉब करने के लायक नहीं रह जाता है। तो वैसे केस में इंश्योरेंस लिए हुए व्यक्ति को इस राइडर से क्या लाभ मिलता है? लाभ यह है कि फर्ज करें कि वो व्यक्ति 20 लाख रुपये का सम इंश्योर लिया था, तो फर्स्ट पहला लाभ तो यह है कि बची हुई पॉलिसी टर्म जितना बचा हुआ है मैच्योर्ड होने में, वहाँ से टोटल प्रीमियम वेव हो जाता, माफ़ हो जाता है उसके नॉमिनी उस घर वाले को, या उसको अब कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वेव हो गया। नंबर टू, सम इंश्योर्ड जितना था वो 10 सालों तक महीने के, मतलब 120 महीने तक मंथली उसको मिलेगा। मतलब अगर 20 लाख का है डिवाइडेड बाई 120 तो 20,000 रुपये प्रति माह उसको घर पर मिलेगा। नंबर तीन, प्रीमियम तो माफ हो गया, मैच्योरिटी आने में अभी 10 साल है या 12 साल है या 15 साल जो कुछ भी है वो कंपनी भरेगी, और मैच्योर्ड होने में सामान्य स्थिति में जो पॉलिसी अगर मैच्योर्ड होती है उसी अनुरूप मैच्योर्ड होने पर उसको टोटल मैच्योरिटी पूरा मिल जाएगी। या अगर वो मनी बैक पॉलिसी है तो मनी बैक के टर्म के अनुसार जो रिटर्न उसको मनी बैक के रूप में मिलने हैं वो मनी बैक मिलता रहेगा, मैच्योरिटी भी मिलेगी, प्रीमियम की राशि कोई नहीं भरने। इस टाइप से तीन बेनिफिट इसके अंतर्गत है, इसलिए यह राइडर भी बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, चूँकि इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, हर व्यक्ति लेता है, लेते ही रहता है, बहुत सारी पॉलिसियाँ लेते हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि जानना चाहिए, जो आपको भविष्य में बहुत लाभ पहुँचाएगा। और तीसरा जो राइडर्स है, प्रीमियम वेवर राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यह राइडर संभवतः प्रायः वैसे पॉलिसियों में होता है जहां एंट्री एज जीरो से शुरू हो जाता है और सर्टेन पीरियड तक रहता है एंट्री एज, 50 वर्ष 55 वर्षों तक। तो जीरो से 18 वर्ष के कम तक की आयु में प्रायः गार्जियन माँ और बाप, मदर फादर अपने बच्चे के नाम से पॉलिसी लेते हैं माइनर के नाम से, और उस पॉलिसी टर्म में निश्चित रूप से गार्जियन उसका प्रीमियम भरता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बच्चे के लिए जो प्लानिंग उसने कर रखा था, मैरिज, एजुकेशन, वाट एवर जो कुछ भी, इस राइडर्स में भी ऐसी घटना होने के बाद फर्दर फ्यूचर की सारी प्रीमियम वेव हो जाती है, माफ हो जाती है, उसको नहीं जमा करने पड़ते हैं। दूसरा लाभ, मैच्योरिटी के चाहे वो 10 साल बाकी हो 20 साल बाकी हो, एक पैसे नहीं देने हैं, मैच्योरिटी का टर्म आने पर मैच्योरिटी की पूर्ण राशि, संपूर्ण राशि नॉमिनी को मिल जाता है, ताकि उस बच्चे के नाम से की गई पॉलिसी का लाभ उसको मिल सके। यह है प्रीमियम वेवर राइडर। चौथा है टर्म राइडर। टर्म राइडर मैं बताऊं, आप जानते होंगे टर्म प्लान, जिसमें आज के टर्म प्लान लेने की ज़्यादा ही ये है। टर्म प्लान में क्या होता है, दैट इज टोटल प्रोटेक्शन प्लान। आप जानते हैं टोटल प्रोटेक्शन प्लान है, आप प्रीमियम देते हैं सर्टेन पीरियड तक और इतना का आपका सम इंश्योर्ड होता है, इफ़ एनीथिंग हैविंग हैपन योर नॉमिनी विल गेट दैट मच ऑफ अमाउंट, इफ नॉट तो आपको कुछ नहीं मिलता है। यह है टर्म प्लान। तो टर्म राइडर भी होता है। अगर आपने इंडोमेंट प्लान लिया है, इंडोमेंट प्लान में सेविंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, परंतु उसमें आपका राशि थोड़ी ज़्यादा होती है प्रीमियम की, तो उसमें अगर मान के चलें कि 10 लाख रुपए का आपने सम इंश्योर लिया है, आपको लगता है कि इंश्योरेंस राशि कम है, आप टर्म प्लान के टर्म राइडर के रूप में 20 लाख का राइडर आप ले सकते हैं, तो टोटल आपका सम इंश्योर कितना हो गया, 30 लाख। यहाँ पर जो टर्म राइडर आप एडिशनल लेंगे इसका चार्ज बहुत कम होता है, बहुत ही कम, जो सम इंश्योर जो बेसिक इंश्योरेंस के प्लान में जो प्रीमियम लगते हैं उस पर बहुत ही कम लगता है, और ऐड होकर के इंश्योरेंस की राशि उतने से बढ़ जाती है। इन केस ऑफ डेथ आपको अब सम इंश्योर्ड की राशि बेसिक सम इंश्योर्ड और टर्म राइडर द्वारा लिया गया सम इंश्योर्ड जोड़कर आपको मिलती है। इस टाइप से टर्म राइडर का लाभ
आप ले सकते हैं, आपने अगर अलग से टर्म प्लान नहीं लिया है तो। ये राइडर्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए। पांचवा राइडर क्रिटिकल इलनेस राइडर है। मैं चूँकि क्रिटिकल इलनेस राइडर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा आपके। और अभी तक जो मैंने राइडर्स की जानकारी दी है, इसको आप वीडियो को वॉच करें, देखें, उसका लाभ लें। आपको लगता है कोई जानकारी क्या क्लेरिफिकेशन चाहिए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में क्रिटिकल इलनेस पर मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। थैंक यू।